हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं थॉट की। थॉट में ऑलरेडी हम लोगों ने एक कंसेप्ट समझ लिया है, नियतवाद यानी डिटर्मिनिज्म। तो नियतवाद के आगे जो उसका दूसरा पहलू है, यानी जो नियतवाद जो विचार आया, तो उसकी काफी क्या हुई, आलोचना हुई। और उस आलोचना के पक्ष जो विपक्ष में जो विचार आया, ठीक है, जिसका नाम है संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म। तो आइए देखते हैं कि नियतवाद की आलोचना क्यों हुई और जो आलोचना जिसने किया उन्होंने अपने विचार क्या दिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नियतवाद में क्या बताया गया था कि जो आपका नेचर है उसको क्या बताया गया था, ह्यूमन के ऊपर डोमिनेंट बताया गया था, यानी जो कुछ भी है वो नेचर है, ह्यूमन कुछ नहीं है। तो आइए देखते हैं कि आज वाला जो विचार है यानी पॉसिबिलिज्म है, उसमें क्या बातें कही गई। क्योंकि पॉसिबिलिज्म वाले ही क्या किए थे, जो डिटर्मिनिस्ट था उसकी आलोचना किए थे और अपना एक नया विचार दिए थे। तो आइए देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि संभववाद क्या है। पहले जानेंगे कि जो संभववाद शब्द था, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो एक विद्वान थे, वे लुसियन फेब्रे। कौन थे? लुसियन फेब्रे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। और इस पुस्तक में इन्होंने संभववाद का क्या किया, संभववाद शब्द का प्रयोग किया। फेब्रे बेसिकली कहाँ के थे? ए फ्रेंच के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और ये जो पूरा का पूरा विचार है पॉसिबिलिज्म, ये कहाँ से आया? तो ये कहाँ से आया? ये फ्रांस से आया, यानी फ्रांसीसी विद्वानों के द्वारा दिया गया विचार था। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नियतवाद को कहाँ के विद्वानों ने दिया था, जर्मन विद्वानों ने दिया था, ठीक है। तो ये भी जानना आपको जरूरी था कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया और जो है संभव किस देश के द्वारा दिया गया विचार है। किस देश के द्वारा दिया गया विचार है? ये दिया गया है फ्रेंच के द्वारा, यानी फ्रांस के द्वारा। अब आइए देखते हैं विचार क्या है। ये विचार भी नियतवाद की तरह मैन इन्वायरमेंट के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है, अंतर संभव। संभववाद है ये मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध में मानव को क्या कहता है, डोमिनेंट मानता है। यानी ये विचार कहता है कि जो कुछ भी है वो क्या है, मानव है, पर्यावरण की क्या औकात, ठीक है। साधारण भाषा में समझे तो ये कहता है कि जो कुछ भी है वो मानव है, पर्यावरण तो कुछ है ही नहीं। मानव के अंदर इतनी कार्य शक्ति है, क्षमता है, मानव एक विवेकशील प्राणी है, इसके अंदर चेतना है, जिसके द्वारा वो क्या कर रहा है, वो लगातार जो पर्यावरण है उसमें क्या करता है, पर्यावरण की औकात नहीं है कि वो मानव के सामने टिक सके। यानी यहाँ पर वो ठीक रूप से नियतवादी के जस्ट अपोजिट बता दिया गया। क्योंकि नियतवाद में क्या बताया गया था कि भैया जो कुछ भी है वो क्या है, पर्यावरण है। यानी जो नियतवाद था उसमें पर्यावरण को मालिक माना गया था और मानव को स्वामी माना गया था। यहाँ पर जस्ट विपरीत हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि मानव को स्वामी माना गया और पर्यावरण को उसका दास या नौकर घोषित कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि जो संभववादी विचारधारक थे, यानी जिसने विचार दिया, उन्होंने सीधा कहा कि पर्यावरण यानी प्रकृति है वो तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वो क्या है, मानव है। क्या है? मानव है। आगे आइए देखते हैं इसमें बहुत सारे विद्वानों के विचार, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बताया जितने भी लैंडस्केप है, यानी जो भी जो प्रकृति में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, पर्वत, पहाड़, नदी, दर्रा, उसमें क्या करता है, ह्यूमन लगातार चेंज करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, नेचुरल लैंड को कल्चरल लैंड में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। आज हुआ सागर है या महासागर है या नदी है, जैसे नदियां आप देख रहे हैं तो नदियों को पार करने के लिए ब्रिज का निर्माण कर दिया है, पर्वतों को चलने के लिए उन्होंने क्या बना दिया है, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दी है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि जो मानव था उसको प्रकृति पर विजेता घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? विनर घोषित कर दिया गया। किसको? मानव के। मानव ने क्या कर दिया है, पूरे का पूरा प्रकृति को परिवर्तित करके अपने कंट्रोल में ले लिया है। मानव जैसा चाहता है वैसा क्या करता है, व्यवहार करता है, ठीक है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए विडाल डीला ब्लास। क्या थे? विडाल डी ब्लास। इनको अकेले ही क्या माना जाता है, प्रोपाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म, ठीक है, यानी संभववाद का प्रतिपादक माना जाता है।
शब्द का प्रतिपादक लुसियन फेब्रे, लेकिन अगर कहीं पर यह आता है कि संभववाद विचारधारा का प्रतिपादक किसने किया तो मान लिया जाता है किसको, विडाला ब्लास को, क्योंकि ब्लास क्या थे, ब्लास अकेले ऐसे विद्वान थे कहां के, फ्रांस के, जिन्होंने इस विचारधारा को सबसे अधिक क्या किया था, प्रमोट किया था और सबसे अधिक उस पर क्या किया था, कार्य किया था। ये बोलते हैं कि मैं ये क्या कहते हैं कि मानव क्या है, खुद में एक समस्या है और खुद ही क्या कर लेता है, अपने समस्या का समाधान कर लेता है, क्या कर लेता है, समाधान, इसमें प्रकृति की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आगे बहुत बड़े विद्वान आए, जो भी आपको ये बताए जा रहे हैं यहाँ पर किसी के विचार, वो एग्जाम में एजिटी पूछे जाएंगे कि किसके विचार है, इसलिए एक एक शब्द को आपको ध्यान में रखना है और कंसेप्ट को समझते चलना है। ठीक है, एक बहुत बड़े विद्वान कौन हुए, एक विद्वान हुए ब्लास, क्या नाम था इनका, ब्लास। ठीक है, यही ये जो आपके लीला, इन्होंने ये कहा कि नेचर इज नेवर मोर एडवाइजर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि नेचर मोर एडवाइजर, यानी प्रकृति जो है एक सलाहकार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं कि सलाहकार का काम क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा तो जिसमें अनुच्छेद 143 जो है 143 में ये प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति को जब भी जरूरत पड़ेगी वो किससे सलाह लेगा, वो हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट से क्या लेगा, सलाह लेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बात नहीं है। ठीक है, मानने के लिए बात नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने सीधा सीधा क्या कह दिया कि नेचर भी एक सलाहकार है, वो सलाह दे सकती है कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए, लेकिन आप मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी नेचर एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं हो सकती है। यानी यहाँ पर फिर क्या किया इन्होंने, माइंड को क्या माना, डोमिनेंस माना, और नेचर को क्या माना, एकदम तुच्छ माना, क्या माना, तुच्छ माना। ठीक है, बाद में फेब्रे ने इस विचार को और आगे बढ़ाया और इन्होंने कहा कि देयर इज नो नेसेसिटी बट एवरी वेयर पॉसिबिलिटीज। ठीक है, एंड मैन एज द मास्टर दीज पॉसिबिलिटीज जज ऑफ देयर, इन्होंने कहा कि देयर इज नो नेसेसिटी, यानी कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, जैसे कि वो बताते थे नियतवादी कि सब कुछ क्या है, अनिवार्य है, आप जो है आपको खाना कैसे खाना है, आपको रहना कहाँ, ये सारा कौन तय करता है, नेचर तय करता है। तो इसी पे इन्होंने ये कहा फेब्रे महोदय ने संभववाद में कि देयर इज नो नेसेसिटी, यानी कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, एंड एवरीवेयर इज पॉसिबिलिटी, यानी संभावनाएं हर जगह है, अनिवार्यता कहीं नहीं है कि आपको घर यही बनाना है, बल्कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, यानी हर जगह क्या है, संभावनाएं हैं। एंड मैन एज द मास्टर ऑफ दिस पॉसिबिलिटी, यानी मानव क्या है, इन संभावनाओं का स्वामी है, क्या है, इन संभावनाओं का स्वामी है, इस द और वो उसके यूज करने का क्या है, जज है, यानी निर्णायक है, यानी अनिवार्यता कहीं नहीं है, मानव क्या है, मानव के पास अपार संभावनाएं हैं, कैसे करेगा, वो इन संभावनाओं का क्या है, स्वामी है, और खुद क्या है, जज है, कि हमें कब क्या कहाँ करना है, ये खुद कौन तय करेगा, ये ह्यूमन तय करेगा, हम प्रकृति के अनुसार कोई काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी क्रम में एक विद्वान हुए ईसा बोमेन ने जो भी रही कही कसर थी उसको अंत में पूरा कर दिया, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मानव के अंदर इतनी शक्ति है, इन्होंने कहा ऐसे कि मानव के अंदर इतनी शक्ति है, ठीक है, कि वो सहारा मरुस्थल में कृत्रिम पर्वत का निर्माण कर सकता है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी बात बोल दी, कि आप जानते हैं कि विश्व का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, ठीक है, वो कितनी परेशानियों से भरा पड़ा हुआ है, और ईसा बोमेन महोदय जी बोलते हैं कि मानव के अंदर इतनी शक्ति है कि चाहे तो सहारा मरुस्थल में क्या कर दे, पर्वत का निर्माण करके वर्षा करा सकता है, क्या करा सकता है, वर्षा करा सकता है। तो आप सोच सकते हैं ये लोग कितने कट्टर विचारक थे, किसके, संभववाद के, जहां पर हर तरीके से हर तरह का माना गया, प्रकृति पर विजेता घोषित करने का प्रयास किया गया। हालांकि जब ये अभी आपने हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो भी विचार होते हैं अपने वातावरण से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक है, और विचार के द्वारा क्या होती है, दुनिया में क्रांति आती है। तो जब ये विचार दिए जा रहे थे उस समय तक हमारी तकनीकी क्या हो चुकी थी, काफी एडवांस
हो चुकी थी, क्या हो चुकी थी, एडवांस हो चुकी थी। हम लोग बात करने लगे थे, जैसे हम लोग फसलों में बात करें तो हम आज जीएम क्रॉप्ड की बात करते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप की बात करते हैं, यानी उस अनाज को जैसे चाहें उस रूप में उगा सकते हैं, उसके जेनेटिक्स में क्या करके परिवर्तन करके, कितनी प्रोटीन चाहिए, कितने उसमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर लिए हैं, जो प्रकृति है प्रकृति पे विजेता तो नहीं बन गए हैं, ऐसा तो बिल्कुल गलत बात है कहना। प्रकृति जो प्रकृति पूरी रूप से पूर्ण रूप से हमको डोमिनेट कर रहे थे, उसकी डोमिनेंसी को हमने क्या किया है, कम किया है। इसलिए इनके विचारों को इसलिए गलत नहीं कहेंगे, जो इनके विचार थे आप देख लीजिए कितने गुस्से से भरे पड़े थे, यानी इसमें पूरा का पूरा ये कहा जा रहा है, ये भी नहीं, ये भी क्या है, बहुत ही गलत बात है। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं इस पृथ्वी के जहां पर अभी भी ह्यूमन क्या है नहीं रह सकता है या नहीं रह पाए। जैसे अगर कहा जाए कि अंटार्कटिका पे मानव बसने लगेगा तो क्या यह संभव है, अभी अभी भी देखिए इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी संभव नहीं हो पाया है। ठीक है, अभी भी आप कांगो बेसिन में नहीं रह पाओगे, वहां पर वही रह सकता है जो वहां की जनजातियां हैं। यानी ये पृथ्वी बहुत सारी जिज्ञासाओं से भरी पड़ी है, पता नहीं कितने इस धरती पे ह्यूमन आए, लेकिन जिज्ञासाएं अभी मनुष्य की क्या हुई, खत्म नहीं हुई है। तो इस प्रकार ये कहना कि प्रकृति कुछ भी नहीं है, केवल क्या है, सब कुछ ह्यूमन है, तो ये गलत है। आज आप लोग देख रहे हैं इतनी ठंड पड़ रही है हर जगह पे, यानी उत्तर भारत जो है शीतलहर से गुजर रहा है, क्या ह्यूमन के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो एक मिनट में पूरा का पूरा चेंज कर दे, उसके पास केवल इतना हो सकता है कि वो एक कमरे में हीटर लगा, लेकिन इस वातावरण को क्या वो चेंज कर पाया कि चाहे कि जब वो इसको पूरे के पूरे तरीके से वातावरण को गर्म माहौल में बदल दे, यानी गर्मी फैला दे, जब चाहे जब वो क्या ले आए, ठंडी ले आए, नहीं ना। तो ऐसा बिल्कुल कहना ये गलत बात होगा कि जो कुछ भी है ह्यूमन है, प्रकृति तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए क्या किया गया, इस विचार की क्या की गई, काफी आलोचना की गई, और जब किसी विचार की आलोचना की जाती है तो एक नया विचार जन्म लेता है। तो आइए देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो इसकी आलोचना की गई पॉसिबिलिज्म की, उसके उपरांत क्या हुआ, कौन सा नया विचार आया। जब ये विचार पॉसिबिलिज्म संभववाद विचार आया था तो इस विचार को काफी लोग क्या कर लिए, फॉलो करने लगे, और हमारे पृथ्वी के जो रिसोर्स थे उसका अंधाधुंध क्या होने लगा, उपयोग होने लगा, यानी अवैज्ञानिक तरीके से क्या होने लगा, रिसोर्स का दोहन होने लगा। क्योंकि काफी लोगों ने मान लिया कि बात सही है कि प्रकृति कुछ भी नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं कर सकती है, और आप लोग आज उसके परिणाम को क्या है, भुगत देख रहे होंगे कि नहीं, प्रकृति भी कुछ है। आगे आने वाले जो विचार है उसमें हम लोग देखेंगे। तो आपको थॉट कैसे लगा, वीडियो कैसे लगा, आपको जानकारी मिली यहाँ से कुछ नहीं मिली, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसमें इसी आप लोगों के कमेंट के माध्यम से ही हम इसमें क्या करेंगे, सुधार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।